सुनील जी, सर पहले तो आपको सनफ्लावर की कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। क्या सुनील सर, आपने खुद ने उम्मीद की थी कि इतना, देखिए लोगों ने पसंद किया अलग बात हो जाती है, क्रिटिक ने बड़ा अप्रिशिएट किया आपके सनफ्लावर को, क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्ट, क्या उम्मीद थी कि क्रिटिक भी सराहेंगे इतना? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को जिन्होंने इतना प्यार दिया सनफ्लावर को, और जिन्होंने इसके बारे में अच्छा भी लिखा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको पसंद आया। तो खुशी होती है जब आप किसी भी एक ऐसे काम, ऐसे एक प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं जिसे लोग अप्रिशिएट करते हैं। और एक्चुअली इसको करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था, जब मैं पढ़ा सनफ्लावर को मुझे बहुत मज़ा आया, और विकास बैल साहब ने इसे बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके से लिखा है, और जब मैं इसको कर भी रहा था तभी भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो आई थिंक वो एक एनर्जी है जो करने में जो मज़ा आता है तो देखने में भी बहुत बार ऐसा होता है कि मज़ा आता है, तो दिस टाइम इट वर्क, ये हो गया और अच्छा लग रहा है। क्रिटिक्स ने इतना, क्रिटिक बहुत ब्लंट रहते हैं, बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने जी इस बारे में, और एक हमने अलग दौर देखा है आज की तारीख में जी, कंटेंट ड्रिवन उनको लगा और हर किरदार की तारीफ हुई, स्टोरी की, स्क्रीन प्ले की, हर चीज़ की तारीफ हुई, क्रिटिक ने इतना सराहा, क्रिटिक को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उनको अच्छा लगा, हालांकि जल्दी जल्दी उनको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, पर ये अच्छा लगा तो मुझे खुशी हुई इस बात की। और एक्चुअली एक नई तरह का नैरेटिव है जिसमें मर्डर मिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो मर्डर मिस्ट्री में वो चीज़ें जो हमें आखिर में पता चलती हैं, ऐसी चीज़ें तो वो चीज़ें तो हमें शुरुआत में ही पता थी, इसका नैरेटिव ऐसा है, तो उसके बाद थ्रिल क्रिएट करना, सस्पेंस क्रिएट करना, ये ऑडियंस के लिए एक देखने में मज़ेदार बात थी और बात है जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा। मैं ज़्यादा नहीं रिवील कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखा उनका मज़ा थोड़ा सा किरकिरा ना हो जाए। तो एक एक कहानी को कहने का जो तरीका था उसमें एक नयापन है जिससे पढ़ते हुए मुझे लग रहा था और करते हुए देखने के बाद बहुत लगा, और जिस तरह का बैकग्राउंड और जिस तरह की सिनेमाटोग्राफी है, सब चीज़ें एक एक टीम का जो एफर्ट है और उस एफर्ट को लोगों ने अप्रिशिएट किया तो बहुत अच्छी बात है। सर, ऑन व्हाट ग्राउंड यू जीरो डाउन योर फिल्म्स, किस बिना पे अपनी फिल्में चुनते हैं? या मैं तांडव से लेकर अब तक की बात करता हूँ जी, तो एक अलग अलग किरदार, आप पिछली इमेज हर दूसरे अपने किरदार से, नेक्स्ट किरदार से, तांडव में कुछ और, इसमें इमेज तोड़ते चले जाते हैं कि बस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अपने आप को? मैं ये एक्चुअली बहुत बार मेकर्स के हाथ में होता है कि आपको किस तरह का रोल देते हैं। जैसे मैं एक हास्य कलाकार के रूप में काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया, उसके बाद एक्चुअली ये अली अब्बास ज़फ़र साहब को क्रेडिट जाता है उसका कि उन्होंने सोचा कि मैं इसको नेगेटिव भूमिका में लेके आऊँ या कुछ इस तरह का एक अलग शेड से, तो क्रेडिट उनको जाता है, मुझे तो सिर्फ करना था, और करते हुए लग रहा था कि अप्रिशिएट करेंगे लोग इसको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ मर्डर कर रहा हूँ लोग हंस दे, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसको लोगों ने उसी तरीके से एक्सेप्ट किया। इसमें भी ये कुछ उससे अलग किरदार है, इसमें इनोसेंस बहुत है इस कैरेक्टर में जो ये निभाया है सोनू का, वो इसकी डिमांड है कैरेक्टर की, तो वो उससे बिल्कुल अलग इमोशन था। तो मुझे एज एन आर्टिस्ट मैं लकी महसूस करता हूँ कि मुझे इस तरह के रोल्स ऑफर हो रहे हैं और इस तरह का काम करने को मिल रहा है, तो मैं लकी महसूस करता हूँ और मुझे तो मज़ा आता है अलग अलग तरह के किरदार करने में, किसी और कैरेक्टर की साइकी में घुसने में। मैं खुद अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि किसी दूसरे के माइंडसेट में घुस के उसकी लाइफ जिएं, उसकी लाइफ का एहसास लें, और ये एज एन एक्टर आपको एक 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 ज़रिया, एक एक चैनल मिलता है जिसके थ्रू आप कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो, इसको जीत सकते हो, और मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें। आपने अब तक जितने भी किरदार निभाए हैं आप, आपका और आपका स्क्रीन स्पेस भी कितना भी रहा हो, लेकिन जिस जो भी किरदार आपने निभाए हैं इसलिए आप अपनी मौजूदगी शिद्दत से दर्ज कराते हैं, भले से वहाँ कैनवस कितना बड़ा हो, आर्टिस्ट कितने बड़े हों, इस बात का क्रेडिट किसे देते हैं? और दूसरा, क्या आप मानते हैं कि सही टाइम पे, सही वक्त पे आप सही प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं? यू आर वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री, इट गेट नोटिस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरी दुनिया भर के सुपरस्टार्स हों, बड़े बड़े चेहरे हों, लेकिन आप अगर छोटी सी भी भूमिका में वहाँ हैं और आपका स्क्रीन स्पेस भी हो सकता है कम हो, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, लोग बात करते हैं उस किरदार के बारे। उसके लिए मैं लकी महसूस करता हूँ, मैं मुझे एक्चुअली जो किरदार दिया जाता है वो उसे मैं निभाता हूँ, और उसके बाद लोगों के हाथ में होता है कि वो उसे कितना पसंद करते हैं और वो आप
आपके एफर्ट को अगर एक्नॉलेज किया जाता है तो वो आप लकी हैं, तो मैं अपने आप को लकी महसूस करता हूँ। उसका क्रेडिट एक्चुअली मेकर्स को जाता है और बहुत सारे लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसको भी जाता है, तो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। और आपकी जब एक्नॉलेजमेंट होती है तो खुशी तो मिलती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आप स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं लेकिन उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं जिनका हाथ होता है आपकी परफॉर्मेंस में, चाहे वो मेकअप के लोग हों या कैमरा लोग हों, डायरेक्टर हों, राइटर हों, असिस्टेंट्स हों, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हों, तो क्रू में कितने सारे लोग होते हैं जो नज़र नहीं आते हैं, काम सिर्फ आपका नज़र आता है, पर आपके काम को और अच्छा बनाने के लिए आप अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर अंधेरा है, लाइट ही ठीक नहीं है तो आपका काम कैसे नज़र आएगा। अगर आपके डायलॉग अच्छे नहीं हैं, आप डिलीवर कितना भी अच्छे से कर लो लेकिन लाइन ही अच्छी नहीं लिखी हुई है, कहानी अच्छी नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसके अंदर मेरा काम एक्टिंग करने का और किरदार में विश्वास रख के उसको निभाने का है, और वो मैं करता हूँ, और लेकिन उसमें बहुत से लोगों का भी सहयोग होता है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरह का अप्रिशिएशन मिलता है, इस तरह से सराहा जाता है। मैं एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा मुझे ये ज़रूर होता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हूँ, जिससे जिसमें पहले तो मुझे काम करने में मज़ा आए, मैं एक्साइटेड महसूस करूँ, क्योंकि अनलेस आई एम एक्साइटेड आई कैन नॉट ट्रांसलेट दैट टू द ऑडियंस। सो कोशिश ही होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको उन्हीं में से चूज़ करना है जो आपको ऑफ़र किया जा रहा है, तो यहाँ पे वो लक फैक्टर सामने आ जाता है, लेकिन जो आप चुनते हैं और फिर उसको निभाते हैं उसमें मज़ा आता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि शायद वो ऑडियंस से के साथ वर्क कर जाए। और अनफॉर्चुनेटली कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो नहीं भी वर्क करते, पर आप चूँकि आपने प्रोसेस इन्जॉय किया तो आपको लगता है कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं। लेकिन ये मैंने कम से कम जब तक मैं शूटिंग कर रहा था, जब तक हम इसको निभा रहे थे, इस प्रोसेस को इसका मज़ा लिया, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है एक पॉइंट के बाद। क्या सनफ्लावर का सीक्वल भी होगा? आई होप होना चाहिए, मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपसे शेयर करता हूँ।